अमेरिका के विरोध को नजरअंदाज करते हुए भारत ने रूस के साथ अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता कर लिया है। आज ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। रूस और भारत के बीच हर साल इस तरह की शिखर वार्ता होती है, लेकिन इस बार दिल्ली में हुई ये मुलाकात इसलिए काफी अहम है क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच जिन 9 समझौतों पर दस्तखत हुए उनमें दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायंफ की डील भी शामिल है। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाला वो डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखता है। S-400 एक बार में 36 वार करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के पास भी फिलहाल S-400 की कोई काट नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात के बाद यूं तो 9 समझौतों पर दस्तखत हुए, मगर केवल 8 समझौते ही मीडिया के कैमरों के सामने हुए, जबकि सबसे अहम यानी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीद का सौदा कैमरों के आगे नहीं हुआ बल्कि इसका ऐलान दोनों देशों की तरफ से जारी साझा बयान में नजर आया। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत रूस के साथ ये समझौता करे, लेकिन पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका के दबाव को भी नजरअंदाज कर दिया। S-400 के अलावा भारत और रूस के बीच रेलवे से लेकर परमाणु और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के 8 समझौते हुए जिसमें गगनयान के लिए रूस का सहयोग भी शामिल है। हमारा अंतरिक्ष में अगला लक्ष्य भारत के गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मिशन में रूस के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।